कर्नाटक में जब कुमार स्वामी सीएम पद की शपथ ले रहे थे तो यह शपथ ग्रहण समारोह कम मोदी विरोधी दलों का मंच अधिक लग रहा था, जहां मायावती, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव जैसे नेता मौजूद थे। चमचमाते कैमरों के फ्लैश के साथ नेताओं के चेहरे भी चमक रहे थे। लेकिन इस मोदी विरोधी जुटान में एक बात थी जिसने शायद सबको सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि केजरीवाल अलग थलग क्यों नजर आ रहे हैं। ये सवाल लोगों के दिलों में उठना लाजमी भी था। दरअसल करीब 3 साल पहले 2015 में मोदी विरोधी की ऐसी ही जुटान बिहार में भी हुई थी, जब नीतीश कुमार लालू के साथ मिलकर सरकार बनाने की शपथ ले रहे थे। उस वक्त मंच पर मौजूद केजरीवाल काफी सक्रिय दिख रहे थे, यहां तक कि चारा घोटाले के आरोपी रहे लालू के साथ गले मिलते भी देखे गए। ईमानदारी के नाम पर सरकार बनने के बाद आई इस फोटो पर सियासी हलकों में चटखारों के साथ खूब चर्चा हुई। वहीं केजरीवाल जब कर्नाटक में थे तो कैमरे के फ्रेम को भी शायद उन्हें ढूंढने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आखिर केजरीवाल की राजनीति में इतना बदलाव कैसे आ गया? क्यों केजरीवाल विपक्षी पार्टियों की जुटान के बीच भी लगभग गायब से नजर आ रहे थे? यहां तक कि मंच पर जब राहुल, मायावती और अखिलेश थे तो वहां भी केजरीवाल नदारद दिखे। हालांकि उन्होंने अलग से अखिलेश के साथ मुलाकात की। वहीं शपथ ग्रहण में ईद के चांद की तरह हो गए केजरीवाल पर कभी उनके सहयोगी रहे कपिल मिश्रा ने भी एक फोटो ट्वीट कर उन पर तंज कसा। केजरीवाल के सियासत करने के तौर तरीके में एनडीएमसी चुनाव के बाद से ही बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां आम आदमी पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा था। हाल ही में उन्होंने बीजेपी के जिन मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे उनसे लिखित में माफी भी मांग ली, जिससे उनकी ही पार्टी के कुछ नेता नाराज हो गए थे। वैसे सियासी मैदान में बदले बदले से नजर आ रहे केजरीवाल में ये बदलाव कब और क्यों आया, फिलहाल ये तो बेहतर वही बता सकते हैं।